भक्ति स्वरूप माँ श्यामा माई के इस प्रांगण में नवाह के इस समारोह के अवसर पर, वैसे तो समारोह नहीं कह सकते हम लोग, मैया का जो आशीर्वाद है, अगर 364 के 364 दिन अगर यहाँ श्यामा माँ धुन चले तो इससे ज्यादा भीड़ जो है 364 के 364 दिन यहाँ आ सकती है। ऐसा माँ श्यामा का आशीर्वाद पूरे मिथिला और दरभंगा को है। तो इस समारोह के अवसर पर माननीय कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय के हम लोग के अभिभावक सर नारायण झा जी मंच पर उपस्थित, माननीय पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर विनोद चौधरी जी, नगर निगम पार्षद मधुबाला सिन्हा जी, आदरणीय बैजनाथ चौधरी जी, जयशंकर बाबू, मंच संचालन कर रहे आदरणीय त्रिपाठी जी, मंचस्थ सभी अभिभावकगण, इस श्यामा नाथ समिति के पदाधिकारीगण और हजारों हजार की संख्या में उपस्थित माँ श्यामा के आशीर्वाद के आकांक्षी दरभंगा के प्रबुद्ध नागरिकगण, माताओं एवं बहनों, सर्वप्रथम मैं इस प्रांगण में माँ श्यामा माइक से आशीर्वाद और प्रणाम की आकांक्षा करते हुए आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। माँ श्यामा माई का जो आशीर्वाद हम सभी को मिलता है, और हम सभी को नहीं पूरे देश के लोग अब यहाँ नवाह के अवसर पर आते हैं। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ कि देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग इस नवाह के अवसर पर दरभंगा आते हैं, 9 दिन रहते हैं, माँ श्यामा माई का आशीर्वाद लेते हैं और फिर यहाँ से जो है जहाँ वो दूसरे राज्य में रहते हैं वहां जाते हैं। और देश का एकमात्र यह सिद्ध पीठ है, सिद्ध स्थल है, जहां चिता पर श्यामा माई विराजमान है और यहां बहुत सारे मंदिर हैं, जहां माता भगवती का तो यहां मंगल कामना होता ही, और साथ ही साथ यह ऐसा चिता स्थली है जहां मांगलिक कार्य भी होते हैं। देश में ऐसा कोई चिता स्थली ऐसा नहीं है, इसलिए श्यामा माई का आशीर्वाद हम सबों को मिलता है, आप सबों को मिलता है और बड़ी संख्या में यहाँ भक्तजन आते हैं। ऐसे ही माँ श्यामा माई का आशीर्वाद मिलता रहे, पूरे मिथिला के जो लोग हैं, जो उनके आकांक्षी है, जो आशीर्वाद मांगते हैं, माँ श्यामा माई का आशीर्वाद उन सबको मिलता रहे। यह मिथिला विकास के अग्रतर प्रगति की ओर बढ़ती रहे। और इस साल तो माँ श्यामा माई का विशेष आशीर्वाद दरभंगा को रहा है, जहाँ यहाँ एयरपोर्ट में इसे भी उड़ान भरने वाला है और एम्स की भी स्थापना होने वाली है। तो निश्चित रूप से माता श्यामा का आशीर्वाद इस दरभंगा को इस रूप में मिला कि हवाई जहाज से भी यहाँ लोग उड़ने वाले हैं, और यहाँ से दूसरे राज्यों में जो इलाज के लिए लोग जाते थे, और यहाँ एम्स की भी स्थापना निश्चित रूप से हम लोग स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि यहाँ दो दो इतने बड़े स्थल यहाँ होने वाले, बिना श्यामा माई के आशीर्वाद के, बिना श्यामा माई के आशीर्वाद के यह बड़ा जो होने वाला है यहाँ एम्स, और जो स्वीकृत हुआ है और एयरपोर्ट, या बिना माता श्यामा माई के आशीर्वाद के कतई संभव नहीं था। इसलिए यूं ही माँ श्यामा माई का आशीर्वाद इस मिथिला को मिलता रहे, मिथिला के लोगों को मिलता रहे, मिथिला के लोग स्वस्थ और संपन्न रहे, और ऐसे ही दरभंगा और मिथिला अग्रोत्तर विकास की ओर बढ़ती रहे। इसी आशीर्वाद हम लोग भी अपना आशीर्वाद मांगते हुए, और इतनावाद के दिन पूरा शहर जाम रहता है, इस 9 दिनों में जो भक्तिमय वातावरण यहाँ रहता है, निश्चित रूप से यह सिद्ध पीठ केवल मिथिला का नहीं पूरे देश में चर्चित सिद्धपीठ हो चुका है। यह बिना श्यामा माई के आशीर्वाद के नहीं हो सकता। यूं ही निरंतर हम लोग को आशीर्वाद मिलता रहे और आप सब लोग की सेवा हम लोग को यूं ही करने का अवसर मिले। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप सब लोग को नमस्कार और प्रणाम करते हुए एक बार जोर से नारा लगाइए, श्यामा माई की। दोनों हाथ उठा के और मुट्ठी बांध के जोर से जो है जयकारा हम अपनी मैया का लगावे, श्यामा माई की, श्यामा माई की।